बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज मैं बनाने लगी हूँ नए माश और नए चावल। तो सबसे पहले चावल धो लेते हैं। बिस्मिल्लाह। चावलों को जो पहला पानी उतरता है ना, जब भी चावल धोएं, तो अगर आपके घर में कोई पौधे हैं, जैसे कि मनी प्लांट, मोतिया, कोई भी पौधे हैं इसके अलावा भी, तो आप ये पानी उनको डालें। मनी प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत खुराक है ये पानी जो है, और मोती के लिए भी। तो मैं, मेरे पास तो है ये चीज़ें, तो मैं पानी उनको ही डालती हूँ। ये लेदा बर्तन में निकाल लेते हैं पानी। ये चावल है नए, इसलिए नए चावल जो है वो मेरी बहनों पता चिपक जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए चावलों को साफ करके धो के उसमें गर्म पानी, ये गर्म पानी किया ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, इतना डाल दें कि चावल ठीक तरह भीग जाए। ये जो पानी है ये डालेंगे पौधों को। माश धो लिए हैं, प्रेशर में डालते हैं, क्योंकि ये तो प्रेशर में पकेंगे। लेकिन हम जब छोटे थे तो हमारे अम्मी जान तो हंडिया में पका लेती थी, तो अब पता नहीं क्या बात है, अब ये प्रेशर में पकते हैं। तो इसका शौक भी अब बच्चों को कम रह गया है। हमारे दौर में हम इंतज़ार करते थे कब नए माश आए तो नए चावलों से पकाएं, अब हम पकाना छोड़ गए हैं, बच्चे भी पसंद नहीं करते। नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, इसलिए इनको प्रेशर कुकर में सिर्फ गलाना है, पकाएंगे हम हंडिया में। अच्छा जी, माशाल्लाह अब ये गल चुके हैं, अब इनको डालते हैं हंडिया में। माश पकाने की जो मेरी बहनें हैं उनको तो परफेक्ट तरीका आता होगा, लेकिन जो आजकल हमारी बेटियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको नहीं, ये पसंद भी नहीं है तो और तरीका भी नहीं आता होगा। तो इनको ऐसे करना, ये ऐसे हो जाए, गल जाए, तो इनमें आपने नॉर्मल पानी जो होता है वो ठंडा पानी डाल देना है। वैसे तो गर्म में ठंडा नहीं ना डालते, लेकिन इनमें डालते हैं। अब इनको पकाते हैं। अब चावलों को छानने में डाल लेते हैं, पानी सारा निकल जाए। अच्छा, चावलों में ऑयल डाल लिया, तो अब चावलों में थोड़ा सिरका डालते हैं, इसलिए कि चावल चिपकने से बच जाए। चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। माश के साथ सफ़ेद चावल अच्छे लगते हैं, इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि बादी भी होते हैं। ये बादाम खटाई और दालचीनी डाल लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये माश ऐसे हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छी तरह घोटने से घोट लेंगे। साग को हम घोट लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब इनको दम पे रखते हैं। अच्छा जी, माश में हल्दी और नमक डाला था, मिर्च नहीं थी डाली, तो अब वक्त आ चुका है मिर्च डालने का। जी अब डालते हैं लहसुन। इसमें ग्रीन लहसुन जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो मिला नहीं। अब तड़के के लिए लहसुन को काट लेते हैं। तड़के के लिए ऑयल डालते हैं। ये होती है हींग, जिसका तड़का इसको लगाते हैं, एक तो इसकी बादी ख़त्म हो जाती है, दूसरी खुशबू बहुत अच्छी होती है। खुशबू का हमें जब छोटे थे तो हमारी दादी अम्मा दाल को, ये माश को लगाती थी, तो मुझे अब भी वो खुशबू याद आती है, बचपन याद आता है, क्योंकि ऐसी खुशबू अच्छी लगती थी हिंग की, तो वो दौर याद आ जाता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी,
तो इसको लगाना मकदार से है, ज़्यादा लगाए कच्ची रह जाए तो फिर ये कड़वी भी हो जाती है, ये गूंदी होती है। मेरी बहनों को और मेरी माओ बहनों को याद होगा इसका हिंग के मतलब, बच्चों को नहीं पता शायद। हिंग का सब बच्चों को नहीं पता होता क्योंकि अब वो दौर ही नहीं रहे, लोग हिंग का तड़का नहीं लगाते, लेकिन मैं अभी भी इसको घर रखती हूँ। अब साथ डाल देते हैं लहसुन, आज मास चावल पका के सर्दियों का आगाज किया। अब आएगी साग की बारी। ये घी लगाते हैं, देसी घी। ये चावल भी नए होने के बावजूद काफी बेहतर बने गए हैं। अच्छा जी, ये माश और चावल, नए माश नए चावल पका के सर्दियों का आगाज किया है। नए से नए चीज़ें बनाएंगे। सर्दियों वाली रवायती डिश जो थी वो बताई है कि बनाया करें, अपनी रवायतों को याद रखें, भूलना नहीं चाहिए। बच्चों को भी बताएं कि चावल और माश खाने वाली डिश होती है। आजकल हमारे बच्चे नई नई चीज़ें देखते हैं, वो भूल चुके हैं कि ये क्या खाने हैं, क्या मजायका इनका। तो ज़रूर बना के मेरी बहनें खिलाएं अपने बच्चों को भी, और अल्लाह आपको जजाए खैर दे। तो मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।